अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी दिनेश फोगाट व अन्य खिलाड़ियों द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष व कोच पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा ने कहा है कि यह दुर्भाग्य की बात है कि जो खिलाड़ी देश के लिए मेडल लेकर आते हैं उनके साथ इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी देश का गौरव हैं, ऐसे में खिलाड़ियों के साथ प्रताड़ना दुर्भाग्य की बात है। इस मामले में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष को पद से हटाकर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाए उस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अशोक अरोड़ा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सरकार इस प्रकार के लोगों को बचाने का कार्य कर रही है। हरियाणा में भी मंत्री संदीप सिंह पर आरोप लगे हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया गया है। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि भाजपा सरकार इन्हें बचाने में जुटी हुई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के नामी खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया करने पे बैठे हैं केवल इसके लिए कि जो संघ के अध्यक्ष हैं कुश्ती संघ के उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, उनके पास ऊपर खिलाड़ियों को प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं। तो सरकार को तुरंत इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए। बहुत बहुत ही गंभीर मसला है और इसकी जाँच CBI को देनी चाहिए और जब तक उनको कुश्ती संघ के पद से हटा देना चाहिए। तो संघ के जो अध्यक्ष हैं वो सांसद भी हैं। मैं वही कह रहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिम्मेवार पद पे बैठे व्यक्ति और आरोप लगाते हैं। इसी प्रकार हमारे खेल मंत्री के ऊपर आरोप लगे, आज तक उसको नहीं हटाया गया। तो ये सरकार खिलाड़ियों के साथ साथ जो उनके कोच हैं उनको भी प्रताड़ित करने पर लगी हुई है। तो सरकार बहुत ही निंदनीय काम कर रही है, इसलिए सरकार को चाहिए कि इसकी तुरंत CBI को जांच दे। बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिनेश फोगाट ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर 24 से अधिक पहलवानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है। वहीं इसके जवाब में बृजभूषण सिंह ने कहा कि दिनेश फोगाट के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। इनमें कुछ भी सच्चाई साबित हुई तो मैं फांसी लगा लूंगा। आंदोलनकारी पहलवानों के आरोप पर मीडिया को जारी किए गए बयान में बृजभूषण ने कहा कि ये पूरी साजिश है, इसमें किसी बड़े उद्योगपति का हाथ है। यही खिलाड़ी जो हमारी कल तारीफ करते नहीं थकते थे, आज वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें YouTube पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।